स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल सेवन्थ लेसन जो था स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, एट लेसन जो था टूरिज्म एंड हिस्ट्री, वो आपको पसंद आया होगा, मे भी समझ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आज मैं आपको लेसन नंबर 6, ये जो है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शेयर यू वन थिंग दैट ये लेसन भी मैंने 3 पार्ट में जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट पार्ट एंड वी आर स्टार्टिंग हियर। स्टार्टिंग करने से पहले एक बार शेयर करनी थी आपसे, एक पेंसिल अगर आपके पास है तो वो हाथ में ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक आधा वर्ड ऐसा रहता है हिस्ट्री जो सिलेबस है इसमें, तो कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वहीं पर आप लोगों ने पेंसिल से अंडरलाइन किया और उसका मीनिंग लिखा, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा होगा। ये हमारा स्टेट बोर्ड पैटर्न का हिस्ट्री है, लेसन नंबर 6। लेट्स वी स्टार्ट एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, पेज नंबर 39। सो बेटा, आप यहाँ पर अगर देखते हो पिंक कलर के बॉक्स में, तो हम लेसन नंबर 6 में 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। उस 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स जो है हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे। व्हाई टू डू वी नीड एंटरटेनमेंट, हमको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका डिस्क्रिप्शन। उसके साथ साथ हमारी जो फोक थिएटर्स है, लोक संगीत, लोक नाट्य जो है, उससे रिलेटेड भी जानकारी हम लोग इस पार्ट 1 में लेंगे। सो बी रेडी एंड बी अटेंटिव। थिंग्स दैट हेल्प रिफ्रेश अवर माइंड एंड गिव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन तो ऐसी बातें, ऐसे थिंग्स कि जो हमारा माइंड जो है वो रिफ्रेश भी करे एंड गिव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और जो ऐसी सब्जेक्ट्स कि जो हमको खुशियाँ भी दे। तो एंटरटेनमेंट हर एक व्यक्ति चाहता है, और एंटरटेनमेंट से हमारा माइंड रिफ्रेश होता है, हमको थोड़ा सा हैप्पी फीलिंग्स आती है, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट का होना ज़रूरी है। हिस्ट्री में इस प्रकार के सोर्सेज जो है उसका जो है स्टडी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि इस पूरा लेसन नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें अंडरलाइन करो वेरियस हॉबीज़। बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप्स की जो है वो हॉबीज़ होती है। हॉबीज़ मीन्स क्या? तो बहुत सारे लोग को शौक़ होते हैं। किसी को अगर हिस्ट्री के नज़रिए से देखा जाए, तो किसी को कॉइन्स कलेक्शंस का हॉबी होता है, किसी को जो पोस्टेज स्टैम्प्स होता है उसको हॉबीज़ होता है, किसी को अगर स्पोर्ट्स पर्सन मतलब डाई हार्ड फैन हो किसी प्लेयर के, तो उसके फ़ोटोज़ कलेक्शन उसका हॉबीज़ होता है, किसी को मूवीज़ पसंद है तो अलग अलग मूवीज़ के अलग अलग जो फ़ोटोज़ कॉपीज़ वो कट करके उसका बुक बनाकर मतलब ऐसे अपने पास प्रिजर्व करके रखना, ये हॉबीज़ होती है। तो इस प्रकार की हॉबीज़ जो है वो एंटरटेनमेंट में आती है। उसके साथ साथ गेम्स, जैसे कि लेसन नंबर 7 में मैंने डिस्क्राइब किया था आपके सामने कि कैसे प्रकार के गेम्स होते हैं, इंडोर है, आउटडोर गेम्स है, नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स है, इंडियन गेम्स है, तो ये सब जो गेम्स है ये भी किसी को खेलना बहुत इंटरेस्टफुल लगता है। ड्रामा एंड फिल्म, किसी को मूवीज़ देखना बहुत पसंद होता है, डेली या फिर वीकली या फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इस प्रकार के भी डाई हार्ड फैन होते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस उनको पसंद है उनके मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, राइटिंग एंड रीडिंग। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन भी होते हैं कि जिनको इस प्रकार का राइटिंग एंड रीडिंग में बहुत शौक़ होता है, तो ये सब जो है उनकी हॉबीज़ होती है। एसेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। आई थिंक यू ब्रैकेट देयर वेरियस हॉबीज़, गेम्स, ड्रामा फिल्म, राइटिंग, रीडिंग एसेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। ये सब जो फॉर्म्स है ये हमारे एंटरटेनमेंट में आता है, हमारे मनोरंजन में आता है, जिस मनोरंजन से हमारा माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है और हमारी फीलिंग जो है वो हैप्पी हो जाती है। तो इस प्रकार का ये जो एंटरटेनमेंट है, व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है ना? हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटीज इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनैलिटी। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बेस्ट बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हेल्दी एंटरटेनमेंट का होना और इसमें भी एक्सीलेंट क्वालिटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो कुछ टीवी देखते हो, मूवीज़ देखते हो, बुक्स जो है नॉवेल्स है वो रीड करते हो, कुछ लिखते हो, आप गेम्स खेलते हो, या आपको कोई पर्सनल ऐसी हॉबीज़ है, वो सब से आप
आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एकदम एक्सीलेंट, बेस्ट एंड हेल्दी आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट कीप्स आवर माइंड लाइवली एंड फ्रेश, हमारा एंटरटेनमेंट हमारे माइंड को ज़िंदा रखता है, लाइवली, ज़िंदा एंड फ्रेश, ताज़ा रखने के लिए एंटरटेनमेंट इज़ द बेस्ट सोर्स। इट मे ऑल्सो मेक अस फील फिजिकली मोर एनर्जेटिक, हेयर इज़ द वर्ड एनर्जेटिक, एनर्जेटिक ऊर्जावान, हमारा शरीर जो है वो एनर्जी से चलता है। हम लोग जब मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं या फिर आफ्टरनून में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, तो ये सब हम क्यों करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी रहे और उस फिजिकल फिटनेस को रखने के लिए, एनर्जेटिक और अच्छा रखने के लिए खाने के साथ साथ इस प्रकार के जो एंटरटेनमेंट है वो भी हमारे बॉडी को जो है, हमारे माइंड को जो है वो बूस्ट देते हैं। सो इवेंचुअली आवर इफिशियंसी एट वर्क इम्प्रूव, जिससे कंटिन्यूसली ये जो हमारी बॉडी का काम करना है, हमारे माइंड का काम करना है, वो और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव होता है। मे बी सुबह आप एक्सरसाइज करते हो या आपका कोई फेवरेट गेम खेलते हो, आउटडोर गेम, तो अगर वो आप खेलते हो तो उससे क्या होता है कि हमारा इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है, हमारा जो एक्टिवनेस है किसी बात का। सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप टोटली 24 आवर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन 24 आवर्स में से 1 आवर अगर आप लोगों ने इस प्रकार के एंटरटेनमेंट को दिया तो जो बाकी के आवर्स है उस आवर्स में आप एकदम एनर्जेटिक रहोगे, उसके साथ साथ आप थकोगी नहीं और आपको इंटरेस्ट भी रहेगा कि चलो मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ये वर्क कंप्लीट करना है, या फिर जो कुछ आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क वगैरह असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट कर रहे हो, तो इसमें हमारी एनर्जी जो है वो एकदम एक्टिव रहेगी, 100% हम अपने आप को और हमारी स्टडी को दे पाएंगे। परस्यूइंग हॉबीज़ एंड गेम्स हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, परस्यूइंग, बहुत सारे लोगों को जो होता है अलग अलग प्रकार के हॉबीज़ जो है या फिर गेम्स जो है उसको अपने पास रखना या उसको मतलब कंटिन्यू करना बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे जो है उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से होता है। परस्यूइंग, दिस इज़ द वर्ड, परस्यूइंग मतलब होता है अपने आप में रखना, उसको संभाल कर रखना, हॉबीज़ संभाल कर रखना, कंटिन्यू करना, गेम्स खेलते थे लेकिन अभी नहीं खेलते, दिस इज़ नॉट परस्यूइंग। परस्यूइंग मतलब उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई भी गेम्स हो, कोई भी हॉबीज़ हो। 2 साल पहले मैं जो स्टैम्प कलेक्शन है वो करता था या करती थी, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया। नो, नॉट नेसेसरी। अगर आप लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, एंटरटेनमेंट आपको जो पसंद आए, बहुत सारे बच्चे देखो बचपन में अच्छा डांसर होते हैं, बड़े होने के बाद डांस करना ही भूल जाते हैं, तो ऐसा भी किसी का रहता है। तो ये जो हमारी जो एक पर्सनैलिटी है उसके लिए हमारी हॉबीज़ और हमारे जो गेम्स है वो हमको इम्प्रूव करने के लिए उसको संभाल कर रखना, डेवलप करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक एसेट्रा वेर डेवलप्ड एज द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से हमारे इंडिया में इस प्रकार के बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे ऐसे गेम्स, बहुत सारे डांसेस, फोक डांसेस, म्यूजिक एसेट्रा डेवलप हुए हैं। आज हम लोग देखो इंडियन आइडल देखते हैं, सिंगिंग कंपटीशन है, सुपर डांसर देखते हैं, डांसिंग ऐसा एक जो सेलिब्रिटी शो है, तो ये सब जो है आज के इसमें देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी बहुत बार आप लोगों ने जो जुम्बा डांस है या फिर कंटेम्परी है या फिर बहुत सारे ऐसे जो डांसेस है, रोबोटिक्स वगैरह, वो तो देखते ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी देखो कोली डांस हमारे महाराष्ट्र का लावणी होता है, राजस्थान का घूमर है, गुजरात का जो गरबा है, कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है, तो ये सब जो डांस फॉर्म है ये हमारे प्राचीन काल से चलते आ रहे हुए हैं, मॉडर्न नहीं, तो एंशियंट पीरियड से ही हमारे इंडिया में इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म है, म्यूज़िक फॉर्म है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी देखते होंगे, जैसे कि मैंने बताया था लेसन नंबर 7th में स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में कि अच्छे लगते गरबा है, तो ये सब जो डांसेस फॉर्म है ये भी हमारे फोक डांसेस में आते हैं, जो बहुत ही प्राचीन काल से ओल्ड
पीरियड से कह सकते हैं फेमस है. देर आर वेराइड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल. आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो एंटरटेनमेंट का जो एक पैटर्न है वो फॉर्म जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन आज भी एंटरटेनमेंट स्टॉप नहीं हुआ, कंटिन्यूस चल रहा है. जैसे कि आज के एज में देखा जाए तो एंटरटेनमेंट के लिए क्यों ना हो, बच्चे जो है मूवीज़, लेटेस्ट की मूवीज़ है वो देखते हैं. उसके साथ साथ तो बहुत सारे मोबाइल गेम्स भी है कि जो आप जैसे बच्चे जो है अप टू 10th या 12th या उससे भी बड़े, वो कैंडी क्रश है, पबजी है या फिर फाइज है, इस प्रकार की भी गेम्स आप लोग खेलते हो. तो दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन मॉडर्न पीरियड. नाउ एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज. अब देखो यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के टू टाइप्स दिए गए हैं बेटा, अंडरलाइन करो, एक्टिव एंड पैसिव. ये जो दो कैटेगरीज है व्हाट आर दे, तो पहला है डेफिनेशन, आप उसको ब्रैकेट कर सकते हो. एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटीसिपेट एंड इंडिविजुअल्स मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन. एक्टिव एंटरटेनमेंट ऐसा होता है जहाँ पर वह व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली अपना जो फॉर्म है या फिर जो कुछ एक्टिविटी है, एक्शन है, वो प्रेजेंट करता है, फिर वो मेंटली हो या फिजिकली हो. तो इस प्रकार का जब पार्टिसिपेशन रहता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है, दैट्स कॉल एक्टिव एंटरटेनमेंट. फिर से सुनो, जिस पार्टी एंटरटेनमेंट में एक व्यक्ति जो है इंडिविजुअली, पर्सनली, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, मेंटली और फिजिकली कोई भी टाइप्स का हो, अगर वो वहाँ पर एक्टिव है, दैट्स इज एक्टिव एंटरटेनमेंट. नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप ब्रैकेट कर सकते हो, प्रैक्टिसिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट, अंडरलाइन करो, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, अंडरलाइन करो. एक्टिविटीज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंटरटेनमेंट. आपको देखो डेफिनेशंस भी दिया है. सबसे पहले हमने देखा कि टू कैटेगरीज में है जो है एंटरटेनमेंट, वो पार्ट है जिसके दो पार्ट है, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव जहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली पार्टिसिपेट्स इन दिस टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट बाय मेंटली और फिजिकली. और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें होती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं हाथ से, तो वो इसमें आता है एक्टिव एंटरटेनमेंट. उसके साथ साथ स्पोर्ट्स जो है जहाँ पर इंडिविजुअली हम लोग पार्ट लेते हैं, दैट इज एक्टिव एंटरटेनमेंट्स एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट, वाचिंग अ स्पोर्ट्स. कभी कभी 2020 के मैचेस है, प्रो कबड्डी के मैचेस है, फुटबॉल के मैचेस है, क्रिकेट के मैचेस है, वनडे मैचेस है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, ये सब जो गेम्स हम लोग देखते हैं, वॉचिंग, इज मेंशन हियर द नेम, वॉचिंग, वॉचिंग अ स्पोर्ट्स मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट. आप अंडरलाइन कर सकते हो उसको, एक्टिव में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, पैसिव एंटरटेनमेंट में इनडायरेक्टली हम वो मैचेस देखते हैं, वो गाने सुनते हैं, वो मूवीज़ देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखने का सुनने का काम करते हैं, इनडायरेक्ट हमारा पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज पैसिव एंटरटेनमेंट. In these types of entertainment, we are not actual participants but only viewer. हम लोग participant नहीं होते, वहाँ पर सहभागी नहीं होते, तो just a viewer, हम सिर्फ listener या फिर viewer देखने का काम करते हैं. तो बेटा यहाँ पर why we need entertainment, उसका आपको answer मिल गया. उसके साथ साथ types of entertainment, ये भी हमारा हो गया. अब 6.2 folk theater, जो हमारे भारत का कल्चर है और वी आर वेरी प्राउडफुल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ फोक थिएटर, तो उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन इस लेसन में दिया गया है. 6.2 फोक थिएटर, लिसन केयरफुली. पपेटरी, कठपुतली, वुडन पपेट्स, लकड़ी से बनाए हुए पपेट्स, कठपुतली. रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकर्शन ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. जब हरप्पा एंड मोहनजोदारो इस एरिया का सिविलाइजेशन मतलब मिला, उत्खनन एक्सकर्शन किया गया, तो आर्कोलॉजिकली जो पुरातत्व विभाग था जिन्होंने इस प्रकार के एविडेंस ज़मीन में से ढूंढ के निकाले, तो उसके जो एविडेंस है उसमें इस प्रकार के क्ले डॉल्स पाए गए हरप्पा सिविलाइजेशन में, एज वेल एज साइट्स इन द इजिप्ट. और इस प्रकार के क्ले डॉल्स जो है वो इजिप्ट में भी पाए गए और ग्रीक में भी पाए गए. आप अंडरलाइन कर सकते हो, हमारे
हिंदुस्तान का हरप्पा सिविलाइजेशन और उसके साथ साथ इजिप्ट एंड ग्रीक इस प्रकार के दूसरी कंट्रीज़ में भी क्ले डॉल्स जो है वो पाए गए. इट इज़ पॉसिबल दैट दे वेयर यूज्ड एज पपेट, और ये पपेट के थ्रू जो है एक पुतला कह सकते हैं उसके थ्रू ये जो फॉर्म है वो प्रेजेंट किया जाता है. इन एंशियंट इंडिया मटेरियल लाइक वुड, अंडरलाइन करो आप अच्छे से उसको कि प्राचीन भारत में वुड, वूल, लेदर, हॉर्न्स, इवोरी वी आर यूज टू मेक पपेट, पपेट बनाने के लिए, इस प्रकार के पुतले बनाने के लिए प्राचीन काल में ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है उसका यूज़ किया जाता था, जिसमें लकड़ी, ऊन, उसके साथ साथ लेदर, एनिमल स्किन, हॉर्न, एनिमल्स के जो सिंग होते हैं वो, एंड इवोरी हाथी के जो दांत होते हैं वो, उसका यूज़ करके इस प्रकार के पपेट्स जो है वो बनाए जाते थे. द कठपुतली अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेटरी इन इंडिया हैज़ टू स्टाइल. अब ये जो कठपुतली है, ये जो पपेटरी है, कठपुतली ट्रेडिशन जो है हमारी परंपरा, वो हमारी इंडिया में टू स्टाइल में पाई जाती है. वन दैट डेवलप इन राजस्थान. प्लीज़ टर्न योर पेज, देयर इज़ पेज नंबर 40. टू टाइप्स, टू स्टाइल के जो हमारे पपेटरीज है उसमें से सबसे पहला है राजस्थान में पाए जाने वाले, दैट मीन्स इन नॉर्थन इंडिया, एंड द अदर्स फॉर्म इन साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के नॉर्थन एंड साउथर्न ऐसे रीजन्स में ये जो कठपुतली जो फॉर्म है उसके अलग अलग स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे. द आर्टिस्ट हु स्टेज कठपुतली शोज आर फाउंड इन. अब देखो इस प्रकार के कलाकार जो है, आर्टिस्ट जो है कठपुतली प्रेजेंट करने वाले, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. फाउंड इन, अंडरलाइन करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरल. ये जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, यहाँ पर इस प्रकार के आर्टिस्ट जो है कठपुतली शोज करने वाले वो पाए जाते हैं. द रोल ऑफ द नरेटर नोन एज सूत्रधार, अंडरलाइंड इट, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो है आर्टिस्ट होते हैं जो कठपुतली शोज प्रेजेंट करते हैं, जो नरेटर होता है जो डिस्क्राइब करता है कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, कठपुतली डांस है या कोई स्टोरी है माइथोलॉजिकल वगैरह, तो उसको नरेट करने वाला जो रोल निभाता है, दैट इज़ सूत्रधार, इज़ वेरी क्रूशियल इन द सक्सेस ऑफ कठपुतली स्टेज शो. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस प्रकार की कठपुतली शोज में. The stage for this puppetry show is quite small, but the puppeteries use light and sound effect in an ingenious way. यहाँ पर देखो पपेटरी में जो है कठपुतली में सूत्रधार तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पपेटरी शो में लाइट्स है, साउंड सिस्टम जो यूज़ की जाती है, उसका भी इफ़ेक्ट जो है बहुत ही जीनियस तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसके कारण देखने वाले की नज़र जो है वो दूसरी तरफ नहीं जाती, तो पूरा ध्यान उसका वो कठपुतली डांस या शोज़ की तरफ रहता है. शैडो पपेट्स, हैंड पपेट्स, वुडन पपेट्स एंड स्ट्रिंग पपेट्स आर यूज इन कठपुतली शोज. आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो कि ये जो पपेट्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में जो होते हैं उनके फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं. तो शैडो पपेट्स ये भी शो किया जाता है, हैंड पपेट हैंड से भी, वुडन लकड़ियों से, स्ट्रिंग पपेट जो रस्सी होती है या धागा होता है उसका यूज़ करके भी ये कठपुतली जो शोज है वो प्रेजेंट किए जाते हैं. Now here is the information finish about the puppetry. I hope so you understood very well, but if you have any doubt or queries, please reply me that this portion is I understood or understood what you say, tell me your reply. Okay beta, now in forward, Dashavatar theater, very easy word, Dashavatar, Dashavatar incarnation ise kehte hai, jisme Dashavatar mein, अभी आपको मराठी अगर सब्जेक्ट होगा तो दशावतार, इसका अगर पूरा मीनिंग तो दस अवतार, भगवान के दस अवतार, दैट इज़ दशावतार ऐसा होता है. और इसके ऊपर के जो अलग अलग ड्रामाज है, थिएटर्स है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में दी गई है. लेट्स सी
कीप योर फिंगर ऑन द लाइन. दशावतार इज द पार्ट ऑफ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में ये जो दशावतार है ये एक लोक नाट्य बहुत ही फेमस है. आप अंडरलाइन कर सकते हो दशावतार. दशावतार शोज आर प्रेजेंटेड इन द रीजन. कहाँ दिखाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में कोंकण और उसके साथ साथ दूसरा स्टेट है हमारे इंडिया का गोवा. इस जगह पर जो है ये दशावतार जो थिएटर है ड्रामास है वो दिखाए जाते हैं. कब दिखाए जाते हैं? आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन इज़ ओवर. जब किसानों का जो हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है किसान भाई जो है वो फ्री हो जाते हैं और उनका माइंड एंड फिजिकली फ्रेशनेस के लिए जब इस प्रकार के ड्रामास रखे जाते हैं तब ये जो दशावतार थिएटर के जो अलग अलग ड्रामास होते हैं या जो कुछ शोज़ है वो प्रेजेंट किए जाते हैं. द स्टोरीज प्रेजेंटेड इन दिस शोज़ आर बेस्ड ऑन 10 इनकारनेशन. अब देखो इनकारनेशन 10 इनकारनेशन इसका मीनिंग है अवतार रूप 10 रूप ऑफ विष्णु. विष्णु भगवान जो है उनके 10 रूपों के अलग अलग जो रूप है उनके उनके ऊपर की बेस स्टोरीज़ वहाँ पर प्रेजेंट की जाती है बाय द ड्रामा. नेमली अंडरलाइन करो मे बी इन द कंप्लीट द वेव. बहुत सारे हमारा जो हमें अभी तक जो लेसन पढ़ा है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आए हैं इन्फॉर्मेशन आई है जो कि मैच द पेयर है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है नेम द फॉलोइंग है उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स है. मे बी आपका कोई अगर ऐसे इजी क्वेश्चंस वगैरह आ जाए या बहुत बार हमारी जानकारी लिए हमारी जनरल नॉलेज के लिए ये सब बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो ये 10 जो अवतार थे विष्णु भगवान के वो कौन से थे प्लीज़ अंडरलाइन इट. मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध एंड कल्कि. आई होप सो यू लर्न इट वेरी प्रॉपरली. मे बी आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट नंबर 1 मैं तो ऐसा कहूँगी कि फिर से ये जो टेक्स्ट बुक है ये एक बार आप रीड कीजिए अच्छे से लर्न कीजिए. ऐसे छोटे 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 क्वेश्चंस है यहाँ पर कि इसका अगर हम लोग ने अपना ही एक ऐसा डाइजेस्ट वगैरह बनाया तो आपके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका नॉलेज जो है वो सब पक्का हो जाएगा. तो ये विष्णु भगवान के 10 अवतार है इसको आप तुरंत लर्न कर लीजिएगा. एट द बिगिनिंग ऑफ द शो सूत्रधार द नरेटर इन वॉक लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्ट्रेकल. अब देखो जब कभी ये दशावतार का जो ड्रामाज है थिएटर वो स्टार्ट होता है तो ये जो अलग अलग स्टोरीज़ है विष्णु भगवान की वो स्टार्ट करने से पहले उसको पहले श्री गणेश जो हमारे भगवान है आराध्य देवता उनकी प्रेज की उनको प्रेज किया जाता है उनको प्रार्थना की जाती है क्योंकि गणपति भगवान ऐसा माना जाता है कि He is the destroyer of obstacle. अलग अलग जो परेशानियाँ है विघ्न है बुरी कुछ घटनाएँ हैं उसको डिस्ट्रॉय करने वाले गणपति बापा होते हैं. इसीलिए पहले गणपति बापा का नमन किया जाता है उनको प्रेज किया जाता है प्रार्थना की जाती है फिर इस प्रकार के जो ड्रामाज है वो स्टार्ट होता है. द मेथड ऑफ एक्टिंग यहाँ पर देखो आपको दशावतार का एक प्ले उसका थोड़ा सा इमेज दिया गया है आप उसको अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख सकते हो. द नीड ऑफ एक्टिंग मेकअप कॉस्ट्यूम्स इन दशावतार शोज इज सेड बाय द ट्रेडिशन. अब देखो मेथड ऑफ एक्टिंग जैसे मॉडर्न जो हमारे मूवीज़ वगैरह हम लोग देखते हैं जैसे एक आधा सेंटेंस वगैरह कोई पिक्चर का बहुत फेमस हो जाता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी इस प्रकार का वगैरह तो वो हमारा लर्न रहता है लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ हम नहीं डाल सकते. तो जो मेथड एक्टिंग की होती है वो ट्रेडिशनली रहती है वैसी की वैसी रहती है नो चेंजेस. मेकअप जो होता है वो भी वैसा ही रहता है ट्रेडिशनली परंपरागत जैसे पहले था वैसा ही उसके साथ साथ कॉस्ट्यूम्स उनके जो पहनने के अलग अलग पोशाक वगैरह रहते हैं वो भी जैसे पहले के ज़माने में एंशियंट पीरियड में राजा महाराजा या भगवान वगैरह देवता जैसे पहनते थे वही यहाँ पर रहते हैं दैट इज़ ट्रेडिशन. द शो इज़ मोस्टली म्यूजिकल. बहुत बार क्या होता है ये जो दशावतार थिएटर के जो ये शोज़ होते हैं ये मोस्टली बेस्ड ऑन द म्यूज़िक संगीत के ऊपर रहते हैं गाने गाकर म्यूजिकली ये प्रेजेंट किए जाते हैं. बट समटाइम्स लेकिन कभी कभी क्या होता है देयर मे बी अ फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स वहाँ के जो रोल प्रेजेंट करने वाले जो एक्टर हैं एक्ट्रेस है वो अपने तरीके से जैसा उन पर बन पड़े इस प्रकार के म्यूजिकल शोज़ में अपने अपने डायलॉग्स
जो है वो भी ऐड करते हैं। द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड यूज वुडन मास्क। जो कोई कैरेक्टर है जो भगवान का रोल कर रहा है वो वुडन मास्क जो है भगवान का वो अपने चेहरे पर जो है वो लगाता है। द शो एंड्स बाय ब्रेकिंग दही हांडी एंड अर्थन पॉट ऑफ कर्ड। दही से भरा हुआ मिट्टी का जो घड़ा रहता है, मटकी कहते हैं उसको, ये जो दही हांडी होती है वो फोड़ कर इसका समारोह मतलब एंडिंग किया जाता है, क्लाइमैक्स होता है। एंड अर्थन पॉट ऑफ कर्ड दही का बाय आरती, उसके पहले आरती होती है, सिंगिंग प्रेज ऑफ द गॉड, भगवान की आरती करते हैं और एंडिंग में इस प्रकार का दही हांडी फोड़ कर ये जो फंक्शन रहता है दशावतार का, थिएटर का जो का शोज होता है उसका एंड किया जाता है। इन द 18th century श्यामजी नाइक काळे, अंडरलाइन करो बेटा, इन 18th century श्यामजी नाइक काळे स्टार्टेड अ फड, फड़ FPHAD फड़। यहाँ पर आपको द मीनिंग ऑफ फड़ दिया है, ट्रोप्स मतलब होता है जो एक ग्रुप, जिस ग्रुप में अलग अलग रोल करने वाले डांसर्स होते हैं, उसके साथ साथ एंटरटेनर होते हैं जो इस फड़ में अपना जो है रोल निभाते हैं। तो श्यामजी नाइक काळे जो थे 18th century में स्टार्टेड अ फड़ ऑफ दशावतार आर्टिस्ट विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। उन्होंने दशावतार आर्टिस्ट का थोड़ा सा मर्ज किया, थोड़ा सा उसमें और चेंजेस लाए थोड़े से, और ऑल ओवर महाराष्ट्र में इस प्रकार का दशावतार का जो शोज़ है ऑल ओवर महाराष्ट्र परफॉर्म किया। विष्णुदास भावे द पॉनियर ऑफ मराठी थिएटर, ब्रैकेट देयर, विष्णुदास भावे द पॉनियर ऑफ मराठी थिएटर, अंडरलाइन करो, आपके पास पेंसिल है हाथ में। विष्णुदास भावे, इन्होंने हमारे मराठी थिएटर में, मराठी नाटक में बहुत ही अच्छा एक काम किया, इसलिए उनको पॉनियर कहा जाता है। पॉनियर मतलब होता है फाउंडर मेंबर, जिसे हम लोग फादर भी कह सकते हैं, प्रणेता, स्टार्ट करने वाले। स्टेज माइथोलॉजिकल प्लेज इन by introducing some modification in the दशावतार style। विष्णुदास भावे इन्होंने क्या किया, तो थोड़ा सा modification, थोड़े से changes लाए दशावतार के जो अलग अलग dramas है, shows है, उसमें थोड़ा सा changes लाकर उसको फिर से इस theme को, mythological जो theme है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया। द ओरिजिन ऑफ मराठी थिएटर कैन बी ट्रेस टू दशावतार ट्रेडिशन, मतलब ये जो मराठी थिएटर है इसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है ये दशावतार ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये जो है सभी जानकारी वहाँ से यहाँ तक आज के मॉडर्न एज तक हमको पढ़ने में मिली। सो बेटा, नाउ हियर आई कंप्लीटेड पार्ट वन, आई होप यू अंडरस्टैंड stood very well. In my second part explanation I will complete this portion. I already made 3 parts, so this lesson also in 3 parts. First part today I completed. So have a good day. Thank you.